हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एएस एकेडमी में। आज का डेट है 7th अगस्त 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सबसे पहला यूनूस हम लोग यहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB से लिया गया है। यहां पर हम लोग बात करेंगे राजमार्ग यात्रा राइट। ये न्यूज़ में था क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ NHAI ने इंट्रोड्यूस किया है एक एप्लीकेशन जिसका नाम ही है राजमार्ग यात्रा। यह एक यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन होने वाला है जिसका मेन एम है इन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन। किसके रिलेटेड भैया? अबाउट द इंडियन नेशनल हाईवेज एंड जिससे फैसिलिटेट किया जा सके एक स्मूदर जर्नी। तो ओवरऑल इस ऐप के बेनिफिट्स क्या होंगे? देखो, ये ऐप जो है ना सर्व करता है एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नॉट ओनली फॉर ट्रैवलर्स बट साथ ही साथ ये ऑफर करता है रियल टाइम वेदर अपडेट्स ले लो, ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन ले लो, टोल प्लाजा डिटेल्स, या फिर फॉर कोई भी जैसे इंपॉर्टेंट वाइटल सर्विसेज हो जिससे हम और आप जैसे लोग अगर सोचो हाईवे में मूव कर रहे हैं और हमें एक सेफ और इंजॉयबल अगर एक्सपीरियंसेस चाहिए तो अगर आप खुद सोच के देखो ना, अगर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दैट इज़ एक छोटा सा एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम लोग को ये सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए कितना अच्छा होगा, राइट है ना। तो वही तो चीज़ें ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है ना, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट एक हैसल फ्री कंप्लेंट रिजोल्यूशन सिस्टम भी होगा। जैसे सोचो आप कहीं हाईवे से गुजर रहे हो राइट, और वहाँ पे आपको अचानक से एक पिट दिख गया, गड्ढा दिख गया राइट। आपको पता है दैट कल को इस गड्ढे में कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर दिए और आपके कंप्लेन के साथ साथ ये रिपोर्ट जो है जल्दी फाइल अप हो जाएगा और इसका प्रोग्रेस को भी आप ट्रैक कर सकते हो वेदर आपके कंप्लेंट्स को फिलअप किया गया है क्या नहीं, राइट। दूसरा, द ऐप इंटीग्रेट्स विद बैंक पोर्टल्स फॉर कन्वीनियंट फास्ट ट्रैक सर्विसेज। जी हाँ, ये ऐप जो है ना बहुत सारे बैंक पोर्टल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर रही है जिसके थ्रू आपको फास्ट ट्रैक सर्विस, जैसे आप आपके कार में जैसे आप एक रीजन से दूसरे रीजन मूव करते होंगे तो आपको एक फास्ट ट्रैक लगा हुआ होगा है ना, और उस फास्ट ट्रैक को आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है होगा राइट। तो वही चीज यहां पे बोला गया है दैट ये ऐप क्या करती है, यही सब चीजों को इंटीग्रेट करती है जिसके थ्रू आप रिचार्ज करना चाहते हो या फिर मंथली पासेस जनरेट करना चाहते हो उस फास्टैग सर्विसेज के थ्रू आराम से किया जा सकता है। यही नहीं, यह ऑफर करती है ओवर स्पीडिंग नोटिफिकेशन या फिर वॉइस ओवर असिस्टेंस भी। बहुत समय क्या होता है ना ड्राइविंग बिहेवियर को चेंज करने के लिए, जैसे सोचो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो आराम से आप इस ऐप के थ्रू लगा दो, ये शायद कुछ इंटीग्रेट करेगी, GPS सर्विसेज भी शायद इंटीग्रेट कर सकती है, तो खैर वो तो समय के साथ साथ इंप्रूवमेंट होगी इसमें। एनीवेज, हम लोग बात करेंगे द फैक्ट दैट ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही तो इंट्रोड्यूस किया गया ना, तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो है क्या भाई? देखो, इसका फुल फॉर्म है NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1995 में। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आती है, और क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पता क्या है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ओवरसी द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। मतलब ओवरऑल नेशनल हाईवेज का मैनेजमेंट इंडिया में कैसे किया जाए वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यही करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है निधि प्लेटफॉर्म। निधि का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, राइट। निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। सो ये निधि प्लेटफॉर्म जो है ये इनिशिएट किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब, 2016 में, और इसका एम ही है दैट कैसे फॉस्टर किया जा सके इनोवेशंस और स्टार्टअप कल्चर हमारे इंडिया में, राइट। एंड इसका अगर और भी अगर डिस्क्राइबली देखें तो ये देखो क्या है ना, ये मेन जो है ये एक एंड टू एंड प्लान है। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए, जिससे स्टार्टअप्स डबल कर सके द नंबर ऑफ इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स इन द ड्यूरेशन फॉर 5 years, मतलब आने वाले 5 साल में, जिससे स्टार्टअप्स के लिए जो इंक्यूबेटर्स या फिर ओवरऑल होते हैं, मतलब जहां पे इन स्टार्टअप्स अपने चीज़ों को प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, उनको बढ़ाने की बात की जा रही है। नोडल डिपार्टमेंट जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो निधि प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च ही किया गया था 2016 को, राइट। एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफकोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमारे देश में प्रमोट करना, यही नहीं नर्चर करना स्टार्टअप्स को, कैसे सपोर्ट करके उनको इस इनोवेशंस को स्केल अप करके, और इनके कुछ कंपोनेंट्स भी हैं जैसे EIR स्टैंड्स फॉर निधि एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस। देखो ये इंस्पायर करती है ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स को जिससे वो परस्यू कर सके एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके लिए उनको फेलोशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रयास प्लेटफॉर्म। प्रयास प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ यंग एंड एस्पायरिंग टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स। ये किनको सपोर्ट करती है? ये इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को
सपोर्ट करती है फ्रॉम द आइडिया टू प्रोटोटाइप स्टेज। मतलब सोचो आपके पास एक आइडिया आया कल को दैट कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जिससे कोई भी सेक्टर में यू नो हम रिवोल्यूशन क्रिएट कर सके, तो आप जब उसको सोचोगे तो उसको पहले प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा ना, फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले। तो आइडिया पहले आपके जो दिमाग में आइडिया आएगा, आइडिया जो प्रोटोटाइप स्टेज में आएगा उसको फुलफिल किया जाएगा थ्रू दिस प्रयास प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इज ITBI, दैट इज इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिल्ड इंक्यूबेटर, जो कि एक्सपैंड करती है इंक्यूबेटिंग इंक्यूबेशन सर्विसेज इन वेरियस ज्योग्राफीज एंड वेरियस जेंडर्स। यही नहीं, आता है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जो क्या सपोर्ट और नर्चर करती है नॉलेज ड्रिवन इनोवेटिव स्टार्टअप्स को। सीड सपोर्ट प्रोग्राम भी आता है निधि का, जो क्या ऑफकोर्स प्रोवाइड करती है अर्ली स्टेज फंडिंग को, जिससे स्टार्टअप्स ऑफकोर्स थोड़ा बूस्टअप हो सके। यही नहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आता है निधि का, जो क्या एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे हमारे जो देश में छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं वो ग्लोबल लेवल में अपने प्रोडक्ट को बेच सके। निधि एक्सेलेटर का नाम के भी आता है, जो कि एक्सेलेट करती है स्टार्टअप्स को थ्रू फोकस्ड इंटरवेंशंस इन वेरियस सेक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेड सैंडर्स के बारे में। रेड सैंडर्स अगर देख लीजिएगा रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली अमेंडमेंट पास किए गए थे DGFT के द्वारा, है ना। एंड इस अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ था, इस अमेंडमेंट में क्लियरली मैंशन था दैट कैसे इस्टेब्लिश किया जा सके तमिलनाडु से जो रेड सैंडर्स का जो आउट जाता है ना। रेड सैंडर्स होते क्या पहले तो ये बता दे रहा हूँ, ये लाल कार्ड, आपने शायद ये मूवी देखी है पुष्पा, राइट, उसमें ये रेड सैंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसी का स्मगलिंग किया जाता है, राइट। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दैट रिसेंटली जो अमेंडमेंट लाया गया था ना DGFT के द्वारा, है ना, वो एस्टैब्लिश करते हैं दैट तमिलनाडु को जो है सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकता है अप टू 900 मिलियन टन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोपेगेटेड रेड सैंडर्स एनुअली। मतलब हर साल में अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप 900 मिलियन टन तक ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट ये कौन से रेड सैंडर्स की बात कर रहा हूँ, जो क्या एक प्राइवेट लैंड में उगाया जाता है। जो जंगली रेड सैंडर्स है ना उसको आप लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, देखो ना क्लियरली लिखा हुआ वाइड स्पेसिमेन ऑफ दीज रेड सैंडर्स हैव अ जीरो एक्सपोर्ट कोटा, इनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। इसी का तो स्मगलिंग होता है, इसी का तो स्मगलिंग दिखाया था ना आपका पुष्पा मूवी में, राइट। सो वही बोल रहा है DGFT इशूड ऑर्डर अंडर द फॉरन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1992 और फॉरन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023। सो ये फॉरन ट्रेड पॉलिसी कहीं ना कहीं क्लियरली प्रोहिबिट करता है द इम्पोर्ट ऑफ रेड सैंडर्स बट इट places restrictions ऑन इट्स एक्सपोर्ट। इनफैक्ट 2019 में अगर देख लीजिएगा DGFT ने रिवाइज भी किया था उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिससे अलाउ कर सके एक्सपोर्ट ऑफ रेड सैंडर्स इन द लॉग फॉर्म या फिर roots। बट अगेन क्लियरली लिखा हुआ है ये वही रेड सैंडर्स के बारे में बात किया जा रहा है जो कि प्राइवेटली कल्टिवेटेड लैंड में उगाया जाता है या फिर पट्टा लैंड में उगाया सकता है। मतलब ये वाइल्ड स्पेसिमेन जो है इसके नहीं, उसका एक्सपोर्ट करना बिल्कुल ही हमारे देश में बैन है। रेड सैंडर्स की अगर बात करें IUCN में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी लिस्ट में डाला गया है, इसीलिए इसका प्रोटेक्शन में सरकार इतना ध्यान देती है। इनफैक्ट दे आर नेटिव टू स्पेसिफिक रीजन, कहाँ पर, ईस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में नहीं। इनफैक्ट ये जाने जाते हैं इनके यूनिक फ्लोरा सिस्टम के थ्रू। ये यूनिकनेस क्या है पता है, इनके जो ग्रोथ रेट है ना बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं, है ना। एंड दे टेक अराउंड 25 से लेकर 40 ईयर्स तक लग जाता है इनकी मैच्योरिटी पीरियड में, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स मैच्योरिटी ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट रहते हैं टू ड्रॉट्स, राइट। सो ये सब कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो कि हम लोगों ने रेड सैंडर्स के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, राइट। क्यों न्यूज में था, क्योंकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इन्होंने अनाउंस किया था एक्सटेंशन ऑफ डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम्स टिल 31st December ऑफ 2023। तो ये जो लॉन्च किया गया था कब किया गया था, December 2022 को किया गया था, और इसका इफेक्टिवनेस जो था वो है 1st January 2023 से था, राइट। नाउ इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर, ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव है दैट कैसे बूस्ट किया जा सके डिजिटल हेल्थ ट्रांजैक्शंस को हमारे देश में अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसको फर्दर लॉन्च किया गया था 2021 में, और इसका एम ही है दैट एक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड करना हर एक सिटीजन्स को, जिससे हॉस्पिटल ले लो, इंश्योरेंस फर्म्स ले लो, सिटीजन एक्सेस टू हेल्थ रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज़्यादा जिससे ईजी हो सके। और अगर सैलेंट फीचर्स हम लोग अगर बात करें ओवरऑल डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस इंसेंटिव स्कीम की, तो वो क्या क्या है, इसके थ्रू इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है किसको, नॉर्मल जनता को, नहीं,
अप टू 4 करोड़ तक का इंसेंटिव किसको प्रोवाइड किया जाता है, वैसे यू नो डिजिटल क्या बोल सकते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स ऑफ द पेशेंट्स, मतलब जैसे सोचो ये जो किया जाता है ना, ये देखो क्लियरली लिखा हुआ है, दे आर प्रोवाइडेड टू हॉस्पिटल्स नॉट नॉर्मल पीपल, राइट, या फिर डायग्नोस्टिक लैब्स, ये वैसे डायग्नोस्टिक लैब्स होते हैं जो क्या लिंक हुए रहते हैं टू आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स ऑफ द पेशेंट्स, राइट, क्योंकि इन्हीं के पास सारा डेटा रहता है ना, राइट, तो ये जो है इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस, जैसे हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ले लो, या फिर लेबोरेटरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ही बात करूँ तो यस, ये सब कुछ जो सर्विसेज है वो इनके थ्रू ये प्रोवाइड किया जाता है। इनफैक्ट दिस इंसेंटिव कैन बी अवेल्ड बाई हेल्थ फैसिलिटीज ऑफ व्हाट, नॉट ओनली हॉस्पिटल्स बट ऑल्सो डायग्नोस्टिक लैब्स, इनफैक्ट ये रजिस्टर्ड किए जाते हैं विद द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ऑफ ABDM, एंड यस ये फुलफिल करती है कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जो कि ऑफकोर्स स्पेसिफाइड होती है इस स्कीम के अंडर। कुछ कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसके थ्रू, जैसे आप देखो ना इसको किसको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक लैब्स को, राइट, तो ये क्यों, इसका बेनिफिट क्या है भैया, देखो इसका बेनिफिट ये है दैट कहीं ना कहीं जो भी हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डायग्नोस्टिक लैब्स है उनको इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि वो डिजिटाइज कर रहे हैं अपने आप को, डिजिटाइज करना तो अच्छी बात है ना। दूसरा, एफिशिएंसी हमें देखने को मिलता है इन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। तीसरा, हम इससे बिल्ड करते हैं एक रोबस्ट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। और चौथा, हम इम्प्रूव करते हैं इससे क्वालिटी ऑफ केयर जैसे क्या, ऑफकोर्स ये केयर क्या होता है, एक्सेसिबल, ऐसा केयर एक्सेसिबल हो जो एविडेंस बेस्ड हो, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, ओवरऑल क्वालिटी केयर जो है वो अच्छी हो, राइट, और ओवरऑल इससे कहीं ना कहीं बिल्डअप किया जाता है एक रोबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम को भी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में, जो क्या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने बोला था राज्यसभा को दैट अराउंड 10 लाख के आसपास जो ट्रीज है ना वो काटे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, राइट, ये हमारा इंडिया का पेनिनसुला, और ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार, जिसमें सबसे जो नीचे आता है ना यही है ग्रेट निकोबार, और ये इसी ग्रेट निकोबार को हम लोग को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है वही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसमें कौन सी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये होता है, और इसका इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें नीति आयोग के द्वारा भी पायलट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, जिसमें अराउंड 72,000 करोड़ का ये मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला है, राइट, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल ग्रेट निकोबार आइलैंड को जो है होलिस्टिकली जिससे डेवलप किया जा सके, जिससे वो ऐसा टेरिटरी बनाया जा सकता है जो क्या मॉडर्न हो, जो क्या सस्टेनेबल हो, और जो क्या सेल्फ सफिशिएंट टेरिटरी हो। ओवरऑल इसके कंपोनेंट क्या क्या है, देखो इसके प्लान के 4 कंपोनेंट्स है, एक तो 35,000 करोड़ का शिपमेंट पोर्ट बना दिया जाएगा गैलेथिया बे में, डुअल यूज मिलिट्री एज वेल एज सिविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगी, और साथ ही साथ एक पावर प्लांट और टाउनशिप भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स की अगर बात करूँ, क्योंकि देखो मैरिटाइम इकोनॉमी को ये प्रोमोट करेगा ना यहाँ से, ऑफकोर्स इस रीजन से, जैसे कार्गो ट्रांसशिपमेंट की बात करो है ना, तो मेजर प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे ऑफकोर्स चीज़ें करने के लिए। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक बेनिफिट, ये एक ऐसा रीजन में है, अगर देखो इसका रीजन का लोकेशन देखो, राइट, ये क्या है, इधर क्या है, इधर आपका जाके मलाका स्टेट आ रहा है, राइट, और इधर तो हमारा ऑफकोर्स मतलब मैं ये बोल रहा हूँ मलाका स्टेट से अगर निकलोगे तो सीधा यही वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, राइट, और ऑफकोर्स अगर आप देख लोगे स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे दुश्मनों पे नज़र रखना, हमारे मेन जो दुश्मन है जो कि इधर से गुजरता है ये है चाइना, राइट, सो चाइना को के ऊपर नज़र रखना ऑफकोर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है, जो कि हम लोगों ने आज के सेशन में इस न्यूज़ के थ्रू देखा, राइट, तो आशा करता हूँ दैट आज की चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। इसी के साथ यहाँ पे सेशन ये समाप्त होता है, मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।